आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय नवागढ़ में शाला विकास समिति की बैठक हुआ संपन्न। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय नवागढ़ में शाला विकास समिति की बैठक का आयोजन विद्यालय के सभागार में हुआ, जिसमें शाला विकास समिति के अध्यक्ष नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विद्यालय में शिक्षकों की निर्धारित समय में उपस्थित शाला के जर्जर भवन को तोड़ने, शाला भवन की रंग रोगन तथा बाउंड्री वॉल निर्माण, विद्यालयीन व्यवस्था के तहत गणित की शिक्षक की नियुक्ति सहित विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी ने बताया कि आज बैठक में आए थे छात्रों की शिकायत थी कि गणित और अर्थशास्त्र की क्लास नहीं लग रही है, साथ ही और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गुरराज सागर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भुवनेश्वर के सरवानी नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष हूँ। आज नवागढ़ शासकीय विद्यालय में जन भागीदारी समिति का बैठक हुआ, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत से शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई थी, जिसकी शिकायत हम लोगों ने उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय से भी की थी, जिस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो शाला विकास समिति ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये बैठक आयोजित किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि शाला टाइम 10:15 बजे सभी को उपस्थित होना है। 10:15 बजे अगर उपस्थित नहीं होते तो गेट में ताला लगाया जाएगा प्राचार्य महोदय के तरफ से, उसके बाद जो आते हैं उनके रेगुलर अनुपस्थिति डाली जाएगी। उसके बाद अन्य विषय भी चर्चा होगी, जिसमें ओपन के जो प्रभार थे वो शुक्ला सर के पास थे, उसे कुमकार सर को दिया गया है, जिसमें ओपन का कार्य अच्छे तरीके से संचालित हो। उसके बाद बच्चों की शिकायत ये थी कि गणित और अर्थशास्त्र में पढ़ाई नहीं हो रहा है, गणित का अभी तक एक कोर्स तो नहीं हुआ है यहाँ कम्प्लीट, या एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है, जिसमें हम लोग ने निर्णय ये लिया है कि जन भागीदारी समिति में जो फंड रहता है उससे गणित का टीचर और बाकी जो विषय में जो जिसका पढ़ाई नहीं है उसके लिए टीचर व्यवस्था किया गया। अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कि यहाँ गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं, उनको आ नहीं रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? उसकी शिकायत की गई थी हम लोग के द्वारा कि जो गणित के टीचर हैं वो लगातार अनुपस्थित रहते हैं। पिछले बार भी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पुख्त सबूत के साथ उनका 15 दिन का अपसरण था, जिसके बाद 15 दिन के पश्चात उपस्थित होकर सारे अपने प्रेजेंटी डाल दिए, जिनका मैं फोटोकॉपी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया था, जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम लोग ने प्रस्ताव तैयार किया है उच्च अधिकारी के अवगत कराएं कि उनके इस तरह के रवैया के कारण यहाँ से उसको अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए। भागीदारी समिति की जो बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है? SMBC की बैठक आयोजित की गई थी, और यद्यपि ये बैठक पहले हो जानी थी पर स्वास्थ्यगत कारणों से पोस्टपोन करके आज उसको आयोजित किया था। मुख्यतः स्कूल ही में शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप करना, और जो डिसमेंटल के लायक भवन है, कुछ कमरे ऐसे हैं बहुत जर्जर हो चुके हैं, तो इन बिंदुओं को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी, और उसमें सर्वसम्मति से हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि जो डिसमेंटल के लायक भवन है, कमरे हैं, उसे डिसमेंटल कराया जाए और उसी जगह पर अतिरिक्त कक्ष के लिए